दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी राज्यों के भाई बहनों से कहना चाहेंगे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर दबा लें। हम आपको बता दें यहां पर कि जो सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को नियमित बनाएंगे यानी नियमितीकरण कर देंगे और उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर देंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, तो वो उस वादे के मुताबिक सरकार ने अभी बैठक की है हाल में। उस बैठक में जारी एक सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं। दिवाली से ठीक एक दिन पहले सरकार ने यह अपना आदेश निकाला है। इस आदेश को आप सब भाई बहन पूरा देख करके जाना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके जाना। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो है आपका अभी बैठक की गई थी 3 तारीख को। मैंने कहा था 3 नवंबर को सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं सभी के स्तर से बैठके हैं, उसमें नियमितीकरण पर जो है सरकार अपना फोकस कर रही है। यह भी हमारे पास एक लेटर आया है, ओम प्रकाश शाह जी हैं, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, इन्होंने निकाला है और सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को और सचिव को, साथ ही सभी विभागाध्यक्ष जितने भी हैं झारखंड राज्य के सभी विभाग वालों को, उनमें जितने भी कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं या अन्य तरह से जो भी हैं, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी, आशा, रसोईया, ये तमाम बहनें भी शामिल थी, जीविका बहनें शामिल थी, तो उन सबको लेकर के, साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त जो झारखंड के, वो सभी उपायुक्त झारखंड के, ये इन सबको लेटर भेज दिया गया है। और आपको बता दें, राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभाग कार्यालयों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिक, इनकी सेवा शर्तों में सुधार और इनका नियमितीकरण करने के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु एक गठित उच्च स्तरीय जो समिति है, जिसकी दिनांक 3 नवंबर को, मैंने कहा था अक्टूबर में लास्ट में कहा था कि 3 नवंबर को सरकार द्वारा एक बैठक कराई जाएगी, तो 3 नवंबर की बैठक में सरकार ने क्या निर्णय लिया है उसको लेकर के एक सरकारी आदेश 13 नवंबर को ये झारखंड में रांची में जारी हुआ है। 3 नवंबर की बैठक में जो कुछ हुआ होगा उसके बाद जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय पर 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को, 14 को दिवाली था, एक दिन दिवाली से पहले आपका ये सरकारी आदेश निकला है। अभी इस आदेश के मुताबिक आपको बताएंगे क्या क्या इस आदेश में कहा गया है, तो पूरा आदेश देख के जाना। इसमें प्रपत्र भी भेजे गए हैं, ये 2 प्रपत्र मेरे पास आए हैं, इनको भी आप लोग समझ लेना अच्छे तरीके से, ये सब आपके काम आएगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। और साथ ही साथ, अगर मैंने कहा था किसी एक राज्य में भी आंगनबाड़ी बहनों का अगर नियमितीकरण हो जाता है तो उनके मुताबिक हम लोगों को मुद्दे उठाने में और बाकी राज्यों में भी इस पर दबाव डालने में भी मदद मिलेगी कि फला राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को नियमित कर दिया है, तो ये होगा कि बाकी राज्यों में भी आसानी हो जाएगी। इसीलिए सभी आंगनबाड़ी बहनें जो समझदार हैं वो चाहती हैं कि किसी भी एक राज्य में पहले नियमितीकरण का प्रोसेस पूरा हो जाए, मतलब बहनें नियमित हो जाए, सेवा शर्तों में इनकी सुधार हो जाए, सरकारी कर्मचारी बन जाए। अब यहां पर देखिए, एक यहां पर मैटर में क्या आया है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यक्रम और कार्यालयों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 3 नवंबर को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय कार्रवाई के जो है वहां पर छाया प्रति भी संलग्न है। इस आलोक में विभागों से विभिन्न बिंदुओं पर 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्राप्त कराया जाना है। तो ये 3 तारीख को निर्णय लिए गए, उस पर 13 तारीख को लेटर निकला है, 15 दिन का समय दिया गया था कि आप सब जो है अपना अपना वो देख करके बताओ, यानी जो भी इनमें कहा गया बैठक में क्या निर्णय लिए गए वो सब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, लिखा है ऐसे सभी कर्मी जो केंद्र अथवा राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ करके अनुबंध अथवा संविदा पर कार्यरत हैं, उनकी विवरणी प्रपत्र 2 संलग्न में है, यानी इनके लिए प्रपत्र नंबर 2, अभी हम आपको प्रपत्र नंबर 2 भी दिखाएंगे। साथ ही चलो हमें आपको साथ ही साथ दिखाते हैं, तो दूसरा वाला हम प्रपत्र आपको दिखा रहे हैं, अभी दूसरा देखिए, फिर हम अगले जो है पॉइंटों पर आएंगे। प्रपत्र नंबर ये 2 है, इसमें लिखा है केंद्र राज्य प्रायोजित योजना को छोड़कर और जो है अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की विवरणी इस तरह भरी जाएगी इसके जरिए, जैसे सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पदनाम इसमें कौन सा है, पद की प्रकृति यानी कैसी है, स्थायी पद है या संविदा पर आधारित है या अस्वीकृत वगैरह पद है,
साथ ही स्वीकृति का प्राधिकार क्या है, यानी प्रशासी पदवर्ग है, समिति अथवा अन्य उल्लेख वगैरह जो है उस तरह के उल्लेख भी करने हैं, जन्म तिथि वगैरह भरनी है, नियुक्ति की जो तिथि है वो भरनी है, साथ ही नियुक्ति का स्रोत क्या है, संविदा है, दैनिक वेतन भोगी है, किस तरह के हैं वो, साथ ही क्या वित्त विभागी जो है पत्रांक जो है जैसे 45-69 दिनांक जो 5-7 जो है यहां पर निकला था 2 का अनुपालन करें, और संविदा पर वो रखा गया है, ठीक है, क्या सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 यथा संशोधित से आच्छादित है या नहीं, सेवा शर्त में संबंधित संक्षिप्त विवरणी भरनी है, अभियुक्ति का कालम है, ये प्रपत्र नंबर 2 है। अब पीछे चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, इसमें क्या है, केंद्र राज्य प्रायोजित योजना के तहत, यानी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की विवरणी प्रपत्र नंबर 3 में संलग्न है। इसमें हमारी साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहने आ जाएंगी, क्योंकि केंद्र राज्य प्रायोजित योजना के तहत ही हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम संविदा कर्मी है नहीं तो हम इसमें आ जाएंगे, तो प्रपत्र नंबर 3 वाला जो विवरणी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसमें लिखा है प्रपत्र नंबर 3, केंद्र राज्य प्रायोजित योजना के तहत संविदा अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों के जो यहां पर विभिन्न विवरणी, जिसमें क्रम संख्या 1 सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्र राज्य योजना का नाम क्या है, तो जिस तरह की योजना है आपकी बाल विकास से रिलेटेड तो बाल विकास जो है आपकी परियोजना योजना टाइप का भरा जाएगा, स्वीकृति का प्राधिकार क्या है, प्रशासी पदवर्ग है अथवा अन्य में है, जिसमें आएगा वो भरा जाएगा, ठीक है, साथ ही पदों की प्रकृति कैसी है वो भी भरा जाएगा, मानदेय कर्मी हो या क्या हो, कैसी प्रकृति है पदों की संख्या कितनी है, कार्यरत कार्मिकों की संख्या कितनी है, साथ ही नियुक्ति का स्रोत, दैनिक संविदा वेतन भोगी वगैरह तो वो कैसे हैं, ठीक है, ये सब भरना है, वित्त पोषण का अनुपात केंद्रांश और राज्यांश अथवा अन्य स्रोतों में है वो भी आपको भरना है, जो वित्त पोषण का अनुपात कैसा है, यानी कितना कितना केंद्र और राज्य अपना हिस्सेदारी करता है, तो आंगनबाड़ी बहनों के मैटर में 60% जो है केंद्र देता है और 40 राज्य देता है, साथ ही नियुक्ति से संबंधित जो है नियमावली की प्रकृति वगैरह कैसी है, प्रक्रिया कैसी है, तो नियमावली नियुक्ति से संबंधित हम लोगों की समाज सेविका के रूप में है, तो इसमें शायद वो दर्शाया जाएगा, सेवा शर्तों की विवरणी क्या है और अभियुक्ति का कालम, इस तरह से प्रपत्र नंबर 3 जा रहा है। अब चलते हैं पीछे, जहां से हम लोगों ने अब छोड़ा था, अब यहां पर आते तीसरे पॉइंट पर, सभी उपायुक्त कार्यालयों समाहरणालयों का समेकित प्रतिवेदन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा तथा विभागों के क्षेत्रीय विभागों का समेकित प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही देखिए इसमें क्या है, अतः अनुरोध है कि उपरोक्त उपकड़िका 3 के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए उपरोक्त उपकड़िका 1 और 2 के संदर्भ में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, तो यह सब बोला जा रहा है। अब आगे चलते इसमें और भी है, जैसे यह देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें ऊपर लिखा है कि दिनांक 3 नवंबर को पूर्वाहन 11:30 बजे विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की कार्रवाई। अब इस कार्रवाई में क्या हुआ है वो देखिए, जैसे इसमें लिखा गया है कि विकास आयुक्त सह अध्यक्ष की अनुमति से प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सह सदस्य सचिव के सभी आमंत्रित प्रधान सचिव सचिव विभागीय और प्रतिनिधि को कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 40/11 दिनांक जो 20/8/2020 के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के कार्य योजना एवं उद्देश्य से अवगत कराया गया है। साथ ही समिति के द्वारा आमंत्रित प्रधान सचिव सचिव के साथ विचार विमर्श किया गया तथा इस पर जो है इस बात पर सहमति बनी है कि निर्गत अधिसूचना अनुसार विभिन्न विभागों कार्यालयों में अनुबंध संविदा के आधार पर कर्मी जो है उन पर भी विचार किया जाना है। जैसे मानदेय पर जो है यहां पर लिखा है, साफ साफ देख लीजिए, मानदेय पर कार्यरत पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी अथवा विभिन्न सोसाइटी के अधीन कार्यरत कर्मीगण समिति की परिधि से बाहर है। वाह, ये क्या कर दिया, मानदेय पर कार्यरत पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी अथवा विभिन्न सोसाइटी के अधीन कार्यरत कर्मीगण समिति के जो है समिति की परिधि से बाहर है। शायद मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को सरकार ने यहां पर आकर के फिर से धोखा दिया है, तो अभी सबक ले लीजिए झारखंड के यूनियन के भाई बहन। सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था और वादा सरकार पूरा कर सकती है अगर चाहे तो, अब आप सब अपनी कमर कसिए
और अपना धरना प्रदर्शन झंडा लेकर के मैदान में आइए। अगर इस लाइन का मतलब और तात्पर्य मेरी समझ में यही आ रहा है कि इनको जो है यहां पर जितने भी ये कर्मीगण हैं इनको समिति की परिधि से बाहर है, मतलब अब आगे और देखते इसमें क्या है, शायद और भी कुछ लिखा हो। आउटसोर्स तथा विभिन्न सोसाइटी के अधीन कार्यरत कर्मिकों के संबंध में यथा आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन योजनाएं सह वित्त विभाग के स्तर पर संधारित किए जाने की समिति द्वारा जो है युक्ति जो है संगत पाया गया है। यानी फिर एक बार देखते हैं, आउटसोर्स तथा विभिन्न सोसाइटी के अधीन कार्यरत कर्मी यानी हम सब आंगनबाड़ी, इनसे संबंध में यथा आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन योजना सह वित्त विभाग के स्तर पर संधारित किए जाने को जो है समिति द्वारा युक्ति संगत पाया गया है। तो देखते हैं और क्या है, विभिन्न जो विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आमंत्रित प्रधान सचिव सचिव के साथ विचार विमर्श में संविदा अनुबंध पर कार्यरत कर्मिकों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा पूर्व में विहित किए गए प्रपत्र एक में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। उक्त प्रपत्र में कार्यालय के स्तर से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय पद की स्वीकृति का प्राधिकार यथा प्रशासी पदवर्ग समिति अथवा अन्य प्राधिकार, नियुक्ति का स्रोत, सेवा शर्त, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की योजना स्कीम के तहत कार्यरत होने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु नए स्तंभों का समावेश किए जाने का निर्णय समिति के द्वारा लिया गया है। देखो आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों के मैटर में जो है ये कैसे सॉल्व होगा, ये तभी सॉल्व होगा जब राज्य सरकारें पर्सनल आंगनबाड़ी बाल विकास विभाग को लेकर के हमारे केंद्र सरकार से मिलकर के कुछ हमारी सेवा शर्तों में पहले कुछ बदलाव करें। जैसे यहां पर ये क्यों आखिर सरकारें जब हमेशा जब बारी आती इसी मैटरों पर तो बैठकों में यही कहा जाता कि आप समाज सेवी के तौर पर लगाई गई हैं, आपका जो है यहां पर नियमितीकरण नहीं होगा। अगर यही है तो सरकारें पहले फिर वादा क्यों करती हैं, और यदि वादा भी किया है तो बनाई गई है, इंसान ने ही तो बनाया है, तो क्या जिंदगी भर वो इसी सेवा शर्तों में जीती रहेंगी? क्या समय पर इनकी सेवा शर्तों में सुधार होना जरूरी नहीं है? समय पर सरकार काम तो देती जा रही है, काम तो बढ़ा रही है, तो सेवा शर्तों में सुधार क्यों नहीं कर सकती? सरकार सब कर सकती अगर सरकार चाहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार वहां झारखंड की बहनों आप सब तैयार हो जाओ और यूनियन के भाई बहन आप भी तैयार हो जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी मौका है, अभी जब तक ये नियुक्तिकरण का प्रोसेस चल रहा है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। विकास आयुक्त सह अध्यक्ष के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत सचिव राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार झारखंड रांची को बैठक में आमंत्रित करते हुए उपायुक्त कार्यालयों को जो है समेकित प्रतिवेदन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से तथा विभागों के सभी क्षेत्र जो कार्यालय है समेकित प्रतिवेदन संबंधी प्रशासी विभाग के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उपयुक्त जो है बिंदुओं पर समीक्षा उपरांत समिति के द्वारा सभी विभागों से निम्नलिखित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर प्राप्त किए जाएंगे। जैसे ऐसे कर्मी जो केंद्र अथवा राज्य प्रायोजित योजना को छोड़कर अनुबंध संविदा पर कार्यरत हैं कि नहीं, विवरणी प्रपत्र नंबर 2 है, और केंद्र राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध जो है संविदा पर कार्यरत कर्मियों की विवरणी प्रपत्र नंबर 3 में है। सभी उपायुक्त कार्यालयों समाहरणालय का समेकित प्रतिवेदन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभागों के द्वारा तथा विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों का समेकित प्रतिवेदन संबंधी प्रशासन विभाग के माध्यम से जो है किया जाएगा। इसमें जो है झारखंड से ये रहे प्रवीण कुमार, हिमानी पांडे, सभी लोग जो ये अपना बैठक में आए थे। तो अब एक बात बताइए, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। एक बार मैंने फिर देखा था राजस्थान में जब बात पहुंची थी मंत्रिमंडल के पास में, शायद आपके जो सदनों में भी यही रिपोर्ट एक प्रस्तुत की गई। उसमें एक महाशय खड़े होकर बोले, पहले तो सरकार ने कहा कि हम नियमित कर देंगे, बाद में बोले ये हो नहीं पाएगा। तो बोले क्यों, बोले ये आंगनबाड़ी समाज सेविका है और इनकी सेवा शर्तों में यहां से सुधार नहीं होगा। तो भैया कहां से होगा सुधार, सरकार अपना करे और देखे, जो भी नियम कायदे उनका पालन करे, जिस तरह से संभव उस तरह से करें। ऐसा तो नहीं है बनाया योजना आई तो इंसान नहीं बनाया है, तो इसमें बदलाव क्यों नहीं हो सकते? जब सरकारें अपने लिए पेंशन सुरक्षित रख सकती हैं और जनता के लिए पेंशन बंद कर सकती है कर्मचारियों के लिए, तो फिर क्या ये कर्मचारी छोटी हैं, ये इतने दिन से काम करें विभाग में, इनके लिए सेवा शर्तों में सुधार क्यों नहीं हो सकता है? इनको नियमितीकरण जो है इनका क्यों नहीं हो सकता है? मानदेय क्यों नहीं बढ़ सकता? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारे झारखंड के यूनियन के साथ साथ बाकी राज्यों के यूनियन भी जो है, आप लोग भी प्रयास करो ऐसी सरकारों को, ऐसे जुमलेबाज नेताओं का विरोध करो, क्योंकि इन्हीं जो है मुख्यमंत्री जी ने हेमंत सोरेन ने कहा था हमारी सरकार जो है आएगी तो हम नियमित करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले दिवाली के पहले भी इन्होंने काफी बार बोला है और न्यूज चैनल वालों ने भी सब दिखाया और अखबारों में भी छपा है, सरकारी आदेश भी निकले हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी को नियमित करने को लेकर के। और अभी आप ये इस तरह से लेटर निकालते हो जिसमें आप ये लाइन लिख देते हो जो कि यहां पर काफी हमें दिक्कत नजर आ रही है। मैं एक बार आप लोगों को फिर यह दिखाना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि मानदेय पर कार्यरत जो है पारा शिक्षकों, आप लोग इसको देखिए,
मानदेय पर कार्यरत पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, आउटसोर्स पर कार्यरत जो कर्मी है अथवा विभिन्न सोसाइटी के अधीन कार्यरत जो कर्मीगण है समिति की परिधि से बाहर है। समिति की परिधि से बाहर है का मतलब हम यही समझ पा रहे हैं अभी तक जो मेरी समझ में आ रहा कि शायद सरकार यहां पर भी अब लास्ट टाइम पर धोखा देने जैसा महसूस करवा रही है एक लाइन से। बाकी आप लोग क्या समझते हो, इनका इसमें कहने का क्या मतलब है आप लोग भी बताएं। और हमारा वीडियो मैं इसको अपना यूनियन के पास भी भेजना चाहूंगा झारखंड में, और आज वार्ता भी उनसे करेंगे इस मैटर पर कि वो क्या कर रहे हैं और इस मैटर को लेकर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही उसी तरीके से सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाएंगे और चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या कुछ भी, सरकार ने वादा किया था तो वादा पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा पिछली सरकार और नई सरकार इन दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। तो इनमें आप लोग समझिए, रघुवर दास थे पिछले भाजपा के, अब ये आए थे आपके हेमंत सोरेन। अब देख लीजिए ऐसे ही सब चीजें चल रही हैं, यानी जब वोट लेना हो तो सब कुछ दिखाई देता है, सब सरकारें कर देंगी भले ही उसका नियम कायदा प्रावधान उनको पता ना हो, वो सब ऐसे ही चलता रहता है। दिवाली पर भी ऐसे ऐसे सब कुछ खबरियां देते चले गए और अब लास्ट में 13 तारीख को निकाला है तो उसमें ये छोटी सी लाइन में लिख दिया गया है कि ये परिधि से बाहर है। हम भाई इसका क्या मतलब निकालें, फिलहाल के लिए बस वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करना। साथ ही बता दें आप लोगों को ये न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है तो खबरें ज्यादा हैं।